फ्लूइड्स में हम लोग रोके हुए लिक्विड के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने तीन सेक्शन में डिस्कशन किया था। पहले हम लोगों ने एचडक पे प्रेशर निकाली, लॉज ऑफ प्रेशर के बारे में डिस्कस किया, देन एक्सेलेरेटिंग वेसल पे प्रेशर की बातें और इंक्लिनेशन ऑफ द सरफेस की बातें, और उसके बाद हम लोगों ने एक इमर्ज बॉडी में बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी फोर्स आरएमडी प्रिंसिपल में देखा, और अब हम लोगों को फ्लो करते हुए लिक्विड के बारे में बात करना है। तो एक फ्लो करता हुआ लिक्विड, हम लोग उसका आइडियल डिस्कशन भी कर सकते हैं और उसका विस्कस डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो एक आइडियल लिक्विड के फ्लो का डिस्कशन पहले हम करते हैं, फिर हम लोग उसकी लेयर्स में कुछ इम्परफेक्शंस की बात करेंगे, फ्रिक्शन जैसे अपोजिंग फोर्स की बात करेंगे विस्कोसिटी में। तो आइडियल लिक्विड फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग एक अजम्पशन के साथ पूरी कहानी करने जा रहे हैं, यानी एक लिक्विड जो कि नॉन विस्कस है और इनकम्प्रेसिबल है, और उसके अलावा हम लोग जितने भी मैथमेटिक्स प्रेडिक्शन दे सकते हैं तो वो स्टेडी फ्लो के लिए दे सकते हैं। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि स्टेडी फ्लो क्या होता है। अगर हमने कभी गौर किया हो कि किसी टैप को बंद कर दे और टैप खराब है, तो क्या होता है कि उसका जो फ्लो होता है उसको ध्यान से देखो, तो जैसे जैसे हम ऊपर देखते हैं तो बड़ा स्मूथ सा लिक्विड आता है, और बहुत नीचे देखते हैं तो लिक्विड बड़ा जिगजैग टाइप का हो जाता है, बड़ा रफ हो जाता है, थोड़ा पार्ट आधा पार्ट बड़ा देखने लायक होता है, बड़ा स्मूथ होता है, और बाकी का नीचे वाला पार्ट बड़ा जिगजैग टाइप होता है, देखने का मन नहीं करता, उसमें कोई पैटर्न नहीं होता। तो जहां स्मूथ पार्ट है वो स्टेडी फ्लो है, और जहां अजीब सा मोशन हो गया वो टर्बुलेंट फ्लो है। तो बात आती है वो अजीब सा मोशन हो क्यों गया, पहले क्यों नहीं था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सारा खेल एक वेलोसिटी का है। लिक्विड की वेलोसिटी एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होगी तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, और उससे पहले स्मूथ फ्लो होगा, स्टेडी फ्लो होगा। तो एक टैप लीक करते हुए टैप में ये बात हमने ऑब्जर्व करी है कि जो लिक्विड ज्यादा वेलोसिटी पे नीचे आ जाता है उसका फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है, और उससे पहले उसका फ्लो स्टेडी रहता है। तो बात आती है स्टेडी फ्लो में क्या खास बात है। तो स्टेडी फ्लो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्ट्रीम लाइन मोशन है। तो बात समझते हैं स्ट्रीम लाइन मोशन क्या है। हम कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि एक लाइन ऑफ पार्टिकल है जिसमें हर पार्टिकल अपने पिछले वाले पार्टिकल के मोशन को पूरी तरह से फॉलो करता है, और उसका मोशन कभी शार्प टर्न नहीं लेता है, शार्प टर्न नहीं लेता, मतलब एक टेंजेंट के अलोंग ही हमेशा मूव करेगा, उसका एक कर्व्ड पाथ हो सकता है लेकिन वो एक शार्प टर्न नहीं ले सकता है। यानी ए पार्टिकल स्मूथली टर्न करता हुआ इस ट्रैक में चलेगा। एक पार्टिकल का मोशन नो डाउट वेरिएबल हो सकता है, लेकिन जो मोशन ए का अभी इस वक्त यहां पर है, इसके पीछे वाले पार्टिकल्स जब ए पर आएंगे तो वही मोशन फॉलो करेंगे जो इससे पहले वाला पार्टिकल फॉलो किया। बेसिकली स्ट्रीम लाइन में हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक पार्टिकल के पीछे एक पार्टिकल के पीछे एक पार्टिकल, सब एक लाइन बना के चलते हैं और सब किसी खास जगह पे वही मोशन फॉलो करते हैं जो उससे पहले वाला पार्टिकल फॉलो कर चुका है। यानी बी पे जब भी कोई पार्टिकल आएगा तो हमेशा बी टू वेलोसिटी अचीव करेगा इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी वही होगी और वेलोसिटी भी वही होगी। इसका यह मतलब नहीं कि हर पार्टिकल का मोशन हर वक्त एक जैसा होगा, नो डाउट ए पे वेलोसिटी कुछ और होगी, बी पे वेलोसिटी कुछ होगी, लेकिन कोई भी पार्टिकल ए पे आएगा तो बी वन पे आएगा, बी पे आएगा तो बी टू पे आएगा। तो ऐसा एक सीक्वेंशियल मोशन जिसमें एक पैटर्न है और हर पार्टिकल टेंजेंट के अलोंग मूव करता है, इसको हम लोग एक स्ट्रीम लाइन बोल सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम लाइन मिलेगी तो मोशन स्टेडी फ्लो हो जाएगा। इसी ए वन क्रॉस सेक्शन में हर पार्टिकल की वेलोसिटी एक जैसी होगी, A2 क्रॉस सेक्शन में हर पार्टिकल की वेलोसिटी एक जैसी होगी। यानी किसी एक क्रॉस सेक्शन के सारे मॉलिक्यूल सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी रखेंगे, ऐसा एक फ्लो जो कि बहुत सारी स्ट्रीम लाइन मोशन से मिलके बना है, उस कंबाइंड मोशन को हम लोग स्टेडी फ्लो बोल देते हैं। तो ऐसे स्टेडी फ्लो मोशन के लिए हमें इस टॉपिक में बात करना है, और हम लोग अपनी बात स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से।